तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनाली हंटर में। और आज बड़े दिनों बाद मैं आया हूँ फिर से रोहतांग पास। कम से कम मुझे 10 से 12 दिन हो गए हैं रोहतांग पास आए हुए। इसमें अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ था रोहतांग पास में। रोहतांग को बंद कर दिया था 2-4 दिनों के लिए, ना अटल टनल जाने दे रहे थे, ना सीसू जाने दे रहे थे, ना रोहतांग पास जाने दे रहे थे। पर आज फाइनली मैं अपने क्लाइंट के साथ आया हूँ रोहतांग पास, और अभी ऑन द वे मैं पहुंच चुका हूं राला वाटरफॉल, और मैं दिखाऊंगा आपको राला वाटरफॉल का व्यू। बहुत ही ऑसम व्यू है दोस्तों। पूरा झरना स्नो की वजह से जम चुका है, माइनस में टेम्परेचर की वजह से पानी फ्रीज हो चुका है। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको आगे वीडियो में। दोस्तों ये देखिए, ये है अपना राला वाटरफॉल। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो ये पूरा सिर्फ झरना ही था, और आज आप देख सकते हो ये पूरा वाटर बर्फ से फ्रीज हो चुका है। ये देखिए, यहाँ चारों तरफ फुल ऑन स्नो है। ये है मेरे क्लाइंट जो कि आए रोहतक हरियाणा से, और ये देखिए वाटरफॉल का व्यू। बहुत ही ऑसम व्यू है, जैसा आप देख सकते हो पानी फ्रीज हो चुका है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों ये देखिए, फ्रीजिंग वाटर, एकदम चिल्ड पानी है। और इस साइड का व्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑसम व्यू। देख सकते हैं स्नो में चलना बहुत काफी मुश्किल होता है। रानी नाला से ऊपर तो दोस्तों ये देखिए राला वाटरफॉल, जैसा कि आपने वीडियो में देखा बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है जिसकी वजह से हाथ अभी से सूख होने लगे हैं और पानी फ्रीज होने लगा है। और जबकि अभी दोपहर के सिर्फ 12:30 बजे हैं, और मान लीजिए अगर 11:30 बजे ये हाल है तो फिर आप शाम को यहाँ पे रुकना आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारा बर्फ है। आने वाले दिनों में रोहतांग पास क्लोज हो जाएगा 15 नवंबर को, या शायद उससे पहले अगर बीच में वेदर खराब होता है या ज्यादा स्नोफॉल होता है तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आगे आपसे। रोहतांग सिर्फ ये 10-15 दिन और है फिर बंद हो जाएगा। नवंबर में बंद होता है ना, 15 को ना? 15 को नवंबर को बंद हो जाता है, पर ये कि बीच में मौसम खराब हुआ तो फिर बंद हो जाएगा। नीचे ये लेक है भाई, दारे देख ले कौन सी ले गई, बर्फ ही बर्फ है यहाँ तो। देखो जमा हुआ है, जिन्ना खर्चा करके आ रहे है ना, अद्धे नाल ज्यादा तू देने, अद्धे स्वाद तेनू दिवा रहे है। जमा हुआ है ये लेक, जमी बढ़िया है ये। देख ये झील जमी हुई है, लेके चलो नीचे आपको, चलते वेख ले तिलक, चलते है ये देखिए मेरे क्लाइंट खुश होते हुए बर्फ को देखते हुए। जैसा आप देख सकते हैं बहुत तेज हवा चल रही है, और ये जो मड़ी लेक है आज पूरा फ्रीज हो चुका है। आप जैसा देख सकते हैं दूर तक ये पूरा जमा पड़ा है, वो भी अभी 12:00 है शाम के टाइम। टेम्परेचर और माइनस में जाएगा जिसकी वजह से ये और फ्रीज हो जाएगा। ये देखिए ये वहाँ आगे तक है और ये पूरा फ्रीज हो रखा है इस टाइम। मेरे क्लाइंट एंजॉय करते हुए। सर ठंडा है कि नहीं है? सर जी ठंडा है नहीं है? एक नंबर का मजा आ गया। ये देखिए यहाँ का भी मड़ी पूरा बर्फ है अभी यहाँ पे। ये सामने अपना रोहतांग पास है, तो ये देखिए आपको वीडियो में इतना समझ नहीं आएगा, पर ये जब मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा फ्रीज हो चुका है। ये देखिए ये पूरी फ्रीज हो चुकी है जो अपना मड़ी डैम है। पिछली बार आया था तो ये देखो दोस्तों
ये सारा वाटर है जो कि जमा हुआ है। ये देखो ये सारा जमा हुआ है, ये देखिए ये कांच है और अभी ये टूट रहा है धूप की वजह से, पर ये रात को फिर माइनस की वजह से, ठंड की वजह से फिर दोबारा फ्रीज हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका था इस टाइम रोहतांग पास पर। फिलहाल रोहतांग पास में बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से मैंने जो कुछ भी बोला वो आपको उस वीडियो में नहीं समझ आएगा, इसलिए मैंने वीडियो का डबिंग किया है। बाकी यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो है और बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ आके मेरे क्लाइंट की तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से मुझे आधे घंटे में वापस जाना पड़ा। तो चलिए आगे मिलते हैं वीडियो में और दिखाता हूँ मेरे क्लाइंट की हालत। ये देखिए मेरे क्लाइंट को ठंड लग गई है, वो गाड़ी से अपना कैप और मफलर और ग्लव्स लेने के लिए वापस आए हैं। ये देखिए इन्हें ठंड लग रही है, ये वापस आए अपना मफलर और कैप लेने के लिए। बाकी दोस्तों देखिए रोहतांग पास में स्नो स्कूटर जो होता है वो आज फंस गया था, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था। फिर लोकल लोगों ने थोड़े मेहनत की और 5-10 मिनट इस घमासान युद्ध के बाद उस स्कूटर को बाहर निकाल लिया गया। और आप जैसा देख सकते हैं जाम लगा हुआ था चारों तरफ। आपको इंजॉय करके मज़ा आएगा, बाकी स्कीइंग वगैरह एक्टिविटीज़ बहुत सारी है जो यहाँ हो रही है, आपका दिल खुश हो जाएगा रोहतांग पास में आके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मनाली हंटर्स। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, पर यहाँ का मौसम बहुत ही मस्त है और बहुत ज़्यादा स्नो है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे खूब सारे इंजॉय कर सकते हो, एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और जैसा कि वीडियो में आपने देखा बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ का। अगर आप लोग भी मनाली आना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं मेरे साथ विद मनाली हंटर में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और ताज़ा जानकारी लाता रहूं मनाली की और आप लोगों का ड्रीम पूरा करता रहूं मनाली घुमाने के लिए। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।